मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उस छोटे से कारोबार में भी मैं बहुत ही खुश रहती हूँ और बड़े आनंद के साथ मैं काम करती हूँ, और जो भी मेरे काम का जो पैसा मुझे मिलता है तो बड़ी ईमानदारी से मैं उसमें दान और दशमांश निकालती हूँ, जो कि मैं समय से पहले, कभी कभी तो समय से पहले ही मैं प्रभु के भवन में पहुँचाती हूँ, जो कि क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने दान और भेंटे हैं वो परमेश्वर के भवन में लेके आओ और परख कर देखो कि यह हुआ कितना भला है। तो सच में जब से मैं SDA चर्च की मेंबर हुई हूँ और मैंने प्रभु के अनुग्रह को देखा, और जब से मैं अपने दान और उठाने की भेंटों को परमेश्वर के भवन में लाना शुरू किया है, तब से मैंने देखा कि मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत आयत की आशीष दी है और अपने अनुग्रह से भरा है और अपने आत्मा से भरा है। मैं दिन प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह में बढ़ती चली जा रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी छोटी सी गवाही ये देना चाहती हूँ कि मैं कपड़े बना रही थी, एक दिन मैं बाहर बैठी हुई थी अपने घर के बाहर, वहाँ पर मैं ब्लाउज तैयार कर रही थी और मेरे पास, मेरे बगल में एक लेडीज रही थी, वो बहुत ही गरीब है। वो एक दिन वो अपनी समस्या बताकर मुझसे रो रही थी, तो मैंने, मुझे तरस आया, मैंने, मुझे उनके पर दया आई। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने पति से उधार लेके उनको 50 रुपये की हेल्प करी। मैंने कहा जाओ, जो कुछ भी तुम्हें इससे मिले तुम अपने लिए इससे करना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैंने बड़े दिल से उनकी मदद की थी। और उसी समय जब वो चली गई तो मैं बाहर से अंदर भी नहीं आ पाई और मेरे पास प्रभु ने इतना काम भेज दिया कि मैंने 50 रुपये की उनकी हेल्प करी थी, लेकिन मेरे पास कम से कम 1000 रुपये का काम आ गया। मैंने प्रभु का बहुत ही धन्यवाद दिया और प्रभु का आदर किया कि सच में प्रभु कभी अपने लोगों का रखता नहीं है, वो हमेशा दुगना लौटा देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के लिए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपनाया है और अपनी महिमा के लिए चुना है, और मैं यह गवाही देने के लिए आज आपके सामने आई हूँ कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से आशीषित किया है अपने उस वचनों के द्वारा, जिस वचन को हमने सीखा है। और यह मैं बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे खेती पाती में जो भी होता था खाने के लिए साल भर नहीं पूछता था, लेकिन जब से हम परमेश्वर को जाने और दशमांश देना शुरू किए तो परमेश्वर ने हमें बहुत से आशीषित दिया है। और पहले खाने पीने के लिए नहीं होता था उसी खेती में से, लेकिन आज उसी खेती में हम खाते पीते हैं साल भर और हमारे खेती पाती में से बच जाता है। और परमेश्वर ने पहले से ज़्यादा उसी खेती पाती में से 100 गुना आशीष दिया है, तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज भी हम परमेश्वर को भवन में दशमांश ले जाते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देता है और देता रहेगा, ये विश्वास करते हैं। सबको जय मसीह, धन्यवाद जी। मेरा नाम शरीफ है, मैं SDA चर्च का सदस्य हूँ और अभय सागर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं दशमांश के बारे में काफ़ी सीखा है। मैं दशमांश भी देता हूँ और दशमांश देने से परमेश्वर का काम बढ़ता है, देने से मेरे घर में काफ़ी खुशियाँ आई हैं, खुशहाली आई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। मैंने प्रभु के वचन से के अनुसार सीखा है कि परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए सीखा। मैंने अपनी कमी घटी में से परमेश्वर को देना शुरू किया है, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया। मुझे काम की तलाश थी तो प्रभु ने मुझे एक अच्छी नौकरी दी। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रतन है और मैं झांसी के SDA चर्च का सदस्य हूँ, और मलाकी की पुस्तक पढ़ के, उनके नीति वचन पढ़ के मैंने जाना है कि प्रभु को दशमांश देना चाहिए।
और प्रभु हमारे ऊपर बहुत आशीष करता है। मैंने अपने घटी बड़ी में से प्रभु को दिया है और प्रभु ने भी मुझको बहुत आशीष की है, बहुत आशीष दी है और उनका उनके अनुग्रह में रह करके मुझे बहुत सुधार हुआ है मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में और मेरे कारोबार में, व्यापार में बहुत सुधार हुआ है और मुझे उन्होंने बहुत आशीष दी है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने मुझे ये सुंदर गवाही देने का मौका दिया, जिससे कि मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाऊँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैंने प्रभु को अपने जीवन में अपनाया है और प्रभु ने मुझे बहुत ढेर सारी आशीषों से परिपूर्ण किया है, प्रभु ने हमें संभाला है हर परेशानियों से, मुसीबतों से बचा के रखा, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु मैंने जब से सुना है और मैंने उसे अपने जीवन में लागू भी किया है कि परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश को मेरे भंडार में ले आओ, और ऐसा करने से मुझे परख हो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। और जब से मैंने दशमांश देना शुरू किया तब से जो है प्रभु ने मुझे बहुत आशीष से ब्लेस किया और मुझे संभाला। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सबको। जय तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे साथ मेरे चलते बन गए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमन सिंह है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ और परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। निर्गमन 20 से, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तुम अपने माता पिता का आदर करना, तुम चोरी ना करना, तुम खून ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तुम किसी घर का लालच ना करना। धन्यवाद। जय मसीह। मैं दिलीप कुमार बांदा जिला से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको भजन संहिता का एक सुनाने वाला हूँ। जो है मेरे चरवाहा मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चने में बैठाता है, वह मुझे जन के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम की मेरी हरी अगुवाई करता है। क्या मैं गोहन कार से बाजू कराई होकर चलो तब मैं इसे न डालूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रहता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तुम मेरे साथ आने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, उन्हें मेरे सिर पर तेल मारा है, मेरा कटोरा उंगल रहा है, निश्चय भला ही होता जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं रबों के दाम में सबका वास करूंगा। मन्ना बन के उतरा
पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। कमजोर है कमजोर को तू तगड़ा बना दे, कमजोर है कमजोर को तू तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। हालेलुया सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशीष है, मैं बांदा से हूँ। मैं आप सभी को भजन ज्ञान भी सुनाऊंगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न तेज से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी पति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथ हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नांग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊँचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के समय मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आप सभी को जय मसीह की। मैं आनंद कुमार, ग्राम सदारी, जिला सोनभद्र का रहने वाला हूं। परिवार में कुल मम्मी पापा भैया भाभी और एक छोटी बहन भी है। घर वाले एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। पहले मेरे परिवार में देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। हमें बहुत समस्याएँ और बहुत दिक्कत परेशानियाँ, पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगता था। पर एक बार मेरी मुलाकात रवि डेविड भाई से हुई। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और आने के लिए बोला। कहा, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। मुझे सब्वत के सभा में बुलाया और मैं गया। ये सभी परिवार के लोग जाते हैं और वो वहाँ जो जो वचन सुनाई जाती है सुनते हैं। और अभी प्रभु यीशु मसीह को पर बहुत विश्वास करते हैं और दान दशवांश देते हैं, जो प्रभु ने बहुत आशीष दिया है। धन्यवाद हो प्रभु का और SDA चर्च का, और हमारे परिवार को प्रभु यीशु से मिलाया। MC की। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी टेस्टमनी है कि मैं बहुत परेशान था अपने लाइफ में, लेके मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और घर से सपोर्ट नहीं था, परिवार में क्लेश था, एकता नहीं थी और मैं बहुत चिंतित हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करना है नहीं करना है। मैं बहुत थक चुका था और परेशान था। उसी दरमियान 7th days में काम कर रहे भाई रवि डेविड जिसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे परिचय किया, मेरे बारे में पूछा और मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाया। मैंने विश्वास किया, प्रेयर करना स्टार्ट किया, सैटरडे सवा चर्च में जाना शुरू किया और एवरी सैटरडे हम चर्च में जाते हैं। मेरे दोस्त भी, मेरे साथ 2-3 लोग जाते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रभु बहुत
ज़्यादा हमारे ज़िंदगी को आशीषित किया। मैं पढ़ाई अपना पूरा किया, ग्रेजुएशन पूरा किया और अभी जॉब भी कर रहा हूँ। एक छोटी मोटी काम है उसको कर रहा हूँ। मेरे पूरे परिवार अभी विश्वास में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु आशीषित कर रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग विश्वास में आना शुरू कर दिए हैं और इसी प्रकार से हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और हम जो कमाते हैं उसमें से दशमांश भी प्रभु को अंशदान देते हैं और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। जय मसीह की। सबकी जय मसीह। मैं सिकरा के निवासी हूँ। मेरा नाम सुषमा है। सुरेश पास्टर मेरे घर आया था बस सुसमाचार बताने के लिए। तो यीशु मसीह मैं ग्रहण किया, औलाद नहीं मेरे बाज थू। मेरे एक बच्ची हुई थी, फिर पेट में है। मैं ग्रहण मेरे पूरे परिवार मानती थी, दशमांश देती हूँ, जाती हूँ, हर सबत दिन को मानती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नमस्कार, मैं मधु प्रजापति गांव सिकरा गांव की निवासी हूँ। मैं परमेश्वर का सुख समाचार भाई सुरेश के माध्यम से सुनी हूँ। पहले मेरे आँख से पानी बहुत गिरता था, फिर डॉक्टर ने बताया तुम्हारा आँख ठीक होना असंभव है। फिर सुरेश पास्टर ने हमको प्रार्थना किया, मेरे आँख को आराम लगी। और फिर मैंने इनसे इन्होंने बताया पवित्र बाइबल के माध्यम से, इन्होंने सबत दिन को बताया। मैं सबत दिन को मानती हूँ, हर रोज़ सबत दिन में सबत में जाती हूँ। फिर इन्होंने कहा तुम अपने दान, मैं अपने दान को भी दान कर कलेसिया में दान करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद। हम लोग, हमारा नाम सुमारी है, राम सहिरा, थाना लालगंज, सहिरा निवढ़िया का निवासी हूँ। राजेश पटेल भाई आए थे, हम लोगों के समाचार सुनाए प्रभु यीशु का, तो हम लोग विश्वास किया। हम लोग पूरे परिवार में जुड़े रहे थे। हमारे दो पतोहन के बच्चे नहीं थे, तो रोए रोए प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम सच में अपराधी हैं, सच में गुनाह है, तो प्रभु हमके आशीष दें। एक पतोहू के 12 साल पर दें, एक पतोहू के 7 साल पर दें। दो लड़के हमारे दोनों पतोहू के पैदा हुए और हम बहुत विश्वास करते हैं। जो अपने दसवां हिस्सा होता है अपने कमाई से, हम लोग दसवां हिस्सा में जमा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। आमीन। वेलकम बैक। पुटिंग गॉड फर्स्ट श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उन चरित्रों की जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, ताकि उनके जीवन से हम, आप और मैं सबक ले सकें। आज हम बात करेंगे आदम और हवा की। आदम और हवा के पास सब कुछ था, सबसे खूबसूरत घर, एक बहुत मीनिंगफुल काम, एक दूसरे के प्रति बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप, और तो और उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना भी था। लिटरली दे हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। और उसके अलावा आदम और हवा के पास वो था जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भागती है, शांति। और वो शांति टेम्पररी नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति भरी शांति, जिसे बाइबल शालोम कहती है। उनके पास यह सब कुछ था। और तो और आदम और हवा परमेश्वर की सृष्टि और उसकी हायरार्की को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। आदम और हवा जानते थे परमेश्वर सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सॉवरेन है। और वो यह भी जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी सूरत में बनाया और दोनों को, स्त्री और पुरुष को, बराबर का अधिकार दिया। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर हर वनस्पति और जानवर का अधिकार दिया, ताकि वह उसका भंडारी बनके उसकी देखरेख कर सके। लेकिन एक दिन
आदम और हवा ने परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने की सोची और यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जो फल परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था वही फल उन्होंने अपने जीवन में उसे खाया। आज भी आप और मैं कई बार ऐसा ही करते हैं। हम जिस बात को परमेश्वर मना करता है या हमें दूर रहने के लिए कहता है हम उसी ओर चल पड़ते हैं और ऐसे अपने जीवन में कई आदतें या कई मनुष्यों को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हमें लगता है हम उस चीज या फला व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते और वो हमारे जीवन में मूर्तियां स्थापित हो जाती हैं। जिस प्रकार उस सेब के बिना आदम और हवा को उस क्षण ऐसा लगने लगा कि इसके बिना शायद हम कभी भी एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते या इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्होंने यह फल खाया था सोचकर कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। वो क्षण ये भूल गए कि परमेश्वर परमेश्वर ही है और हम उसके तुल्य नहीं हो सकते क्योंकि हम उसके हाथ की रचना है। आज भी हम कई बार यह भूल जाते हैं जब हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहली प्रायोरिटी देनी होती है, हम भूल जाते हैं कि गॉड इज गॉड एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम केवल मनुष्य हैं उसके हाथ की रचना। और जब परमेश्वर के भवन में टाइट्स और ऑफरिंग्स लाने का समय होता है तब हम सोचने लगते हैं कि हमारी जरूरतें ज्यादा जरूरी है। हम पिछली कहानी में पहले ही सीख चुके हैं कि सब कुछ परफेक्ट होने पर यह गारंटी नहीं कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है हम जिस हाल में हैं उस हाल में से ही परमेश्वर को पहला स्थान देने की आदत डाल लें। आदम और हवा की कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि कई बार अगर हम इसमें चूक जाते हैं तो जिस प्रकार आदम और हवा के विद्रोह का असर उनके बच्चों अर्थात पूरी मानव जाति और सृष्टि अर्थात पूरी पृथ्वी पर पड़ा, हमारी इन गलतियों के कारण हमारे आसपास के लोगों पर और पर्यावरण पर भी यही असर पड़ता है। इस सप्ताह जब डीकन्स आपके पास टाइट्स और ऑफरिंग्स लेने आते हैं, आदम और हवा की कहानी आपको और मुझे यही चुनौती देती है, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहेंगे या हमने अपने जीवन में ऐसे गॉड्स या मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। अगले सप्ताह एक और ऐसी सीख भरी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको और मुझे सुरक्षित रखे।